तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएशन बाबा जी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है फोबिया, यानी कि अजीबोगरीब डर। शायद हम सभी किसी ना किसी चीज़ के भय से ग्रस्त रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा डरते हैं और कुछ लोग कम, लेकिन कई लोगों को बहुत ही अजीब चीज़ों से डर लगता है। जैसे कि यह कुछ अजीबोगरीब डर जो बहुत ही बेतुके हैं, फिर भी लोगों को इनसे डर लगता है। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे सबसे अजीबोगरीब डर के बारे में, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सड़क को पार करने से डरना। जो लोग इस फोबिया से ग्रस्त हैं, उन्हें सड़कों, राजमार्गों और अन्य मार्गों को पार करने से भय लगता है। इस डर से ग्रस्त लोगों को शहर में आराम से रहने के लिए बहुत समस्या आती है। खाना पकाने से डरना। यह डर बहुत ही दुर्लभ होता है। इस डर से ग्रस्त व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है और अस्वस्थ भी होने लगता है। यह दुर्लभ डर ज़्यादातर अकेले रहने वाले लोगों में होता है। यह डर अत्यंत कौशल व्यक्ति में भी हो सकता है। गुड़िया के खिलौनों से डरना। यह डर बहुत ही तर्कहीन है। इस डर से पीड़ित व्यक्ति को गुड़िया के खिलौनों से डर लगता है। पीड़ित व्यक्ति गुड़िया के खिलौनों के साथ साथ रोबोट जैसे दिखने वाले खिलौनों से भी डरता है। इस डर में पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि गुड़िया का खिलौना जीवित हो उठेगा। रात के खाने में वार्तालाप का डर। बेशक कई बार रात के खाने में वार्तालाप का डर बहुत अजीब हो सकता है, लेकिन कई लोग रात के खाने के समय साथ वाले लोगों से वार्तालाप करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दर्पण को देखने का डर। यह डर बहुत ही भावनात्मक होता है। इस डर से पीड़ित व्यक्ति को दर्पण देखने से बहुत भय लगता है। पीड़ित व्यक्ति को दर्पण देखते समय बहुत ही चिंता होने लगती है। बेशक उसे यह पता होता है कि यह चिंता तर्कहीन है, असल में यह डर अंधविश्वास पर आधारित होता है। इस डर के पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि अगर वह दर्पण के सामने आएगा तो वह अलौकिक दुनिया के साथ संपर्क में आ जाएगा। शैतान का डर। यह डर बहुत ही असामान्य और डरावना होता है। यह डर उन लोगों को होता है जो अलौकिक शक्तियों और आत्माओं पर विश्वास रखते हैं। उन लोगों को भूतों के बारे में बातें करने से, भूतों की फिल्में देखने से भी बहुत डर लगता है। सास से डरना। शादीशुदा लोगों में यह डर पाया जाता है। यह पश्चिमी समाज में बहुत आम है। इस डर में शादीशुदा लोग अपनी सास से डरते हैं। इस डर को कई तरह के उपायों से खत्म किया जा सकता है, लेकिन सबसे आम उपाय तलाक होता है। पीनट बटर को खाते समय मुंह में चिपकने का डर। इस डर का मुख्य कारण होता है यह कल्पना करना कि यदि खाते समय मूंगफली का मक्खन या उसके जैसी मिलती जुलती खाने वाली चीज़ें यदि मुंह में चिपक जाएं तो क्या होगा। इस डर से पीड़ित व्यक्ति को इसी बात का डर लगा रहता है। यह डर बहुत ही विचित्र है। यह डर किसी को भी बहुत आसानी से लग सकता है। बैठने का डर। इस डर से पीड़ित व्यक्ति को कहीं पर भी बैठने से डर लगता है। इस डर की शुरुआत उस समय होती है अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी बुरी चीज़ पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसे बैठने से डर लगने लगता है। लेकिन कई मामलों में यह डर पीड़ित में तब जन्म लेता है जब उसको स्कूल के समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने बैठने के लिए कहा जाता है। वित्रिलोपिष्ट खिलौनों से डर। वित्रिलोपिष्ट एक ऐसा खिलौना है जो कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस खिलौने में कलाकार अपना हाथ डालकर अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जिससे दर्शकों को लगता है कि खिलौना बोल रहा है। बहुत से लोगों को इस खिलौने से भी डर लगता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि खिलौना सच में बोलने लग गया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर कहते हैं डर के आगे जीत है। क्या कुछ ऐसा बोलना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि डर एक ऐसा भयानक एहसास है जो मौत से भी ज़्यादा भयानक है। क्या आपको कभी डर से भी डर लगा है? मान लीजिए कि आपको बस इतने से डर लगता है कि क्या होगा जो आप कल बीमार पड़ गए और आपकी तबीयत और बिगड़ गई, कहीं आप मर गए तो, और अगर नहीं मरे तो भी कितना परेशान होंगे आप बीमारी की वजह से। बस इसी डर के हालातों को अपने से सोचते रहना और उसकी कल्पना करते करते इतना डर जाना कि आप उस विषय के बारे में भी सोचना छोड़ देते हैं, और यह जो डर आपको कमज़ोर करता जा रहा है दरअसल वहीं की उपज है जहां आपको और भी डर पहले से मौजूद हैं।
तो बस आप इसे डरों का डर कह सकते हैं और इसे मनोविज्ञान में कहते हैं फोबोफोबिया। अगर फोनोफोबिया के लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और इसका समय रहते इलाज ना हो तो यही डर बन जाता है फोनोफोबिया। जब आपके अंदर का डर इतना बड़ा हुआ है कि आप सिर्फ नकारात्मक ही सोच रहे हैं, मृत्यु होने वाली बुरी घटनाओं, क्या पता कल कुछ ऐसा हो जो बहुत ही डरावना हो, जैसे भयभीत करने वाले विचार, और अपने में ही डरे और सहमे रहना और अपने डर से इतना डरना कि निश्चित तौर पर अवसादग्रस्त हो जाएंगे और ग्रसित हो जाएंगे डर के डर से। उम्मीद है कि डर की इन बातों को जानकर आप कभी भी किसी को भी डरा देखकर आप मजाक नहीं बनाएंगे और ना ही कहेंगे डरपोक हो तुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना कतई ना भूलें आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। Hey, hey.